बोर्ड के परिणाम घोषित किए जाएंगे, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान बोर्ड की 8 और 5वीं के परिणाम आज जारी किए जाएंगे। दोपहर 3 बजे बताया जा रहा है कि परिणाम ये जारी होंगे। स्कूल शिक्षा के शासन सचिव ये परिणाम जारी करेंगे, तो आज दोपहर 3 बजे तक परिणाम जारी हो जाएगा। स्कूल शिक्षा के शासन सचिव ये परिणाम जारी करेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, राजस्थान बोर्ड की 5वीं और 8वीं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। दोपहर 3 बजे तक बच्चे का इंतजार करते रहें, क्योंकि दोपहर 3 बजे वो समय बताया जा रहा है जिस वक्त परिणाम जारी होगा। शासन सचिव इसको परिणाम जारी करेंगे। तो 5वीं और 8वीं के बोर्ड के एग्जाम हुए थे राजस्थान में, और अब परीक्षा की घड़ी की जो रिजल्ट होता है परिणाम की, वो नज़दीक आ गई है। यानी कि दोपहर 3 बजे वो समय है जब शासन सचिव परिणाम 5वीं और 8वीं राजस्थान बोर्ड की परिणाम को जारी करेंगे। और इस बीच बाड़मेर से भी बड़ी खबर है, जहां जेल में कैदी की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि मामले में अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। धरने पर श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी हैं। इलाज नहीं मिलने से बताया जा रहा है कि बंदी की मौत हो गई थी, कैदी की मौत हो गई थी, ऐसा आरोप लगाया गया था। जेल कर्मकों को निलंबित कर जाँच की मांग जो है इनके द्वारा की जा रही है। आज भाटी ने महापड़ाव का ऐलान भी रखा है। माना यह जा रहा है कि समर्थन में कई लोग। और हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी की मौत हुई है, शव को लेने पर अभी तक बात नहीं बन पाई है। इसी को लेकर कल शाम से ही आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा है। जेल कार्मिकों को निलंबित कर जांच की मांग की जा रही है। आज रविंद्र सिंह भाटी ने महापड़ाव का ऐलान किया है। कल से ही प्रदर्शन में बैठे हुए हैं रविंद्र सिंह भाटी। हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी की मौत की ये बड़ी खबर आपको बाड़मेर से बता रहे हैं। मामले में अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। शव को लेने पर भी अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। पहले कहा जा रहा है कि पहले पूरी तरीके से कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही हम आगे कोई कदम उठाएंगे। अब इलाज नहीं मिलने से बताया जा रहा है कि बंदी की मौत हो गई थी, यह आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या है पूरा मसला, इसको लेकर गंभीरता दिखाई जाए। जो भी शख्स इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनके ऊपर बड़ी कठोर कार्रवाई की जाए, और इसी बात को लेकर जोर आजमाइश जारी है, यानी कि समझाइश का दौर भी जारी है। लेकिन अभी तक कोई भी दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई है, और इसीलिए अभी शव को भी नहीं लिया गया है। इलाज नहीं मिलने से कैदी की मौत बताई जा रही है, वो भी जेल के अंदर। लगातार इस तरह के मसले सामने आ रहे हैं। जेल में या तो कोई कैदी आत्महत्या कर लेता है, या तो इलाज के दरमियान किसी की मौत हो जाती है। फिलहाल यह आरोप है, आरोप कितना सच है कितना झूठ, ये सब कार्रवाई का विषय। और प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती और बीमार बिजली तंत्र का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा चुका है। मौजूदा सरकार और बीजेपी के नेताओं ने इसका जिम्मेदार कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार को ठहराया है। उनके मुताबिक पूर्ववर्ती सरकार ने ही नई सरकार को जर्जर बिजली तंत्र दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिजली संकट पर छिड़ी रार, कांग्रेस बीजेपी को ठहराया कसूरवार।